वोट नहीं देना, मैं तो देना खान इमरान खान जलील होया कुत्ते दी तरह। नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर अकल आ जाए तो एक बच्चे को भी आ जाती है, और अगर अकल ना आए तो बुज़ुर्ग को भी नहीं आती। एक बच्चा नौजवान जो तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करने वाला था, लेकिन खैर आखिर पर अम्मा जी ने भी तहरीक लब्बैक को और साद रज़वी को वोट देने का फ़ैसला कर ही लिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह तुहानू जिंदगी देवे, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे। मां जी मैनू ऐ दसो कि तुहाडी नज़र च केरा बंदा है जरा पाकिस्तान दे हालात बेहतर कर सके। असी तो दुआ करने हैं, मुसलमान है साडे बच्चा नु सब दे मुल्क केड़े केड़े बच्चे काम करदे पे, उनां नु अल्लाह पाके इतना कुछ देवे, सानू लुट के सारा कुछ बाहर मुल्कां ते चले गए। सानू कोई आटा नहीं देंदा, अज जाओ आटा लवो तो आंदे 15 रुपए दियो सानू, 15 किलो आटा 10 किलो लवो आंदे इतने पैसे दियो। जो किन्ने को कार्ड नहीं हैगा बेटा, उनां आखना कार्ड नहीं लियांदा तुसीं आटे तो वापस चलो। घ्यो महंगा, चीनी महंगी, हर चीज महंगी, सारियां महंगाई ते है सारी चीज जमहूरियत दी वजह तो है। इस्लाम नहीं चाहंदे, चाहंदे नहीं बेटा, अल्लाह भी साडे असी मुसलमान है बेटा, असी कोई नहीं अल्लाह मुनकर नहीं होने, रब सानू पैदा नहीं मुनकर बंदा नहीं होता। जमहूरी निजाम में और इस्लामी निजाम में एक फर्क है। उन्होंने मुल्क ते की कीता, कुछ बड़ा कुछ कीता, इन्हें एवें कीता, खान नहीं कीता, कितना उन्हें अपनी तंद विच रखिया उन्हें। तुसी की समझदे जे हुन आन इलेक्शन अगे 2 महीने बाद उन्हें ने वोट नहीं देना, मैं तो देना खान नु है, खान नु वोट देना, खान नु देवांगी इंशाल्लाह। नहीं वजह हुंदी है ना खान ने हुंदी है, इस मुल्क ते इस कोई रंडनी कीतियां, कुछ किसी दे बच्चे मारे, किसी ने एडा सारा बच्चा गड्डी थल दे के मार के ताप आ बैठा उठे। इमरान खान ने बच्चे मारे ने, हले ओ गल कर रहे सी ना, ए लबैक वालेयां ते इत्थे ही अगे जरा शेलिंग होई, दिखावो इमरान खान ने कीता जी, इमरान खान हुकूमत नहीं सी बेटा, आज जुल्म नहीं होंदे सी, आ खुदकशियां नहीं, जेरी गल कर रहे हो तुसी, क्या उन्हें किसी दे बच्चे नहीं मारे ते ओ भी ते खुदकशियां नहीं कीतियां, आ मार के बच्चा तो गड्डी दे थल्ले ते जाके बैठ गया, उन्होंने जाके जनाजा नहीं पड़े दुए ने पड़ नहीं जेरी गल मैं पूछ रहा तुहाडे कोलो, इमरान खान दा तुसी कहे कि उन्हें जरा हैगा बच्चे नहीं मारे, लबैक वाले तो जुल्म ते होया, तो जुल्म होया नहीं, तो लबैक वाले बंदे नहीं, वो लोग नहीं ने, लोग हैगे ने बेबे गल सुन, कितना ओ ससन वे लबैक नु ओ साके एक गल कोने ने कीती है करते हो लबैक को सपोर्ट क्या, एक मिनट आपके बच्चों की तरह नौजवान है इससे बात कर, क्या मां जी सही कह रही इमरान खान ठीक है? नहीं इमरान खान कैसे ठीक है, लबैक वालों पे जुल्म हो तो वो गलत है, इंसान है ना, वो भी इंसान है बेटा, उन्होंने भी छोटे छोटे बच्चे लबैक वाले का मौकफ की सी, भाई मैं चला जावा ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲ ਆਓ ਪੈਸੇ ਟਕਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਿਆਣਾ। ਬੇਟਾ ਆ ਪਾਪਾ ਸੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖੜੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਆਟਾ ਦੇਣਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਗਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾ ਭਈ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆਵੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ, ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰੇ ਤੇ ਨੇਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੰਜਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਲਬੈਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤਹਿਰੀਕ ਸਾਡੇ ਚ ਆਪਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੈ 15,000 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਕਹ ਰਹੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ
आवाम यानी कि तहरीक लबैक ते गोलियां चलियां बारूद चले ने हर चीज़, लेकिन बाबा जी फरमाने कह के गए सन ना कि पुत्रा जिमें करेंगा ना उंज ही भरना ही। ठीक है, इमरान खान जेल हुई उवें जमान पार्क के इमरान खान जलील होया कुत्ते की तरह जिस तरह उन्होंने तहरीके लबैक का नाम और इलम है जारी है। ठीक है, और इंशाल्लाह रहना है, मेरी माशाल्लाह 20 साल उम्र है। ठीक है, वोट लबैक, वोट लबैक के नाल है, भावें साढ़े घर वाले कह ना कि तुहानू खाण नू नहीं देना जे तुसीं तहरीके लबैक नू, ते असीं उन्हां का खाना नहीं देखनी है, कई और से आप अल्लाह पाकर सी बेटा साढ़े मेरे बेटे ने इमरान खान ने कबर च नहीं आनी, असीं यही पैगाम पहुंचा रहे बेटा। मैं भी किसी ने मौलवी पीर ने भी कबर च नहीं आना, कम आना तो रसूल दम आया, इकला दम आया, इकला दम जाना बेटा, ना तू जाना ना हुण तैनू नौकरी ना मिले, एक गल तो केड़ा बच्चे जलील होंदे होण, फिर इस्लाम नू लियो फिर कोई इन्हां सारयां नू अपनियां पईयां अज भी रैलियां दे कड़ रहे ने फलस्तीन दे वास्ते, अज भी रैलियां कर रहे ऐ साडे को बकाया फलस्तीन बैठे ने, नहीं नहीं मैं कह रहा फलस्तीन वास्ते किसी ने इंजी रैली कड्डी, रैली कड्डी तो उन्होंने वास्ते माशाल्लाह बड़े होए ने उन्होंने नेक बन लबैक वाले महंगाई मार के निकलिया अपना नहीं कड्या लवार बैग ने कड्या गया। बाकी माँ जी का मौकफ है कि वो इंशाल्लाह इमरान खान को करेंगी, भाई नौजवान है और वो कह रहे हैं लबैक इंशाल्लाह। सारे जमीन कहते गड्डी कितों आई, इमरान खान को पूछो उन्हें कल गड्डियां किधर आई हैं, शोक सानू कोई नहीं, असि खुद सुनने से इमरान खान नवाज शरीफ सारे दे बयान सुने, कह रहे इया का ना बुद वैया का नस्ताइन, बस ए लफ्ज़ कहना नाल ही गाना चल जाना है, बच्चियां नच रही हैं ए सब कुछ इमरान खान करवा रहे, कह सकदा यार रुको खुद माशाल्लाह मीडिया वाले हो। ठीक है, इस तरह ही है ना, तुसी कोई दस दिया कि तहरीके लबैक दे विच किसे जलसे च तुसी एक छोटी 5 साल की बच्ची वेखी है, नहीं नहीं ऐसे ही हो कराची तो जलसे निकले ने। ठीक है, मैं अल्लाह पुल जो जीवे पता नहीं की कोई इंडिया दे हमला कर रहे ने, तरीक लैस आले ने सिर्फ डांगा बड़िया या जो भी बड़े उन्होंने बड़ा जुलम होया, अल्लाह नू जान दे नहीं इस्लामी मुल्क का मतलब की खाली ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो इस्लामी असि मुसलमान इतने गरीब भुखे मार रहे ने, कब्जा गुरु पूंजी ने कोई किसी इंसाफ नहीं मिल रहा, गरीब भुखा मार रहे तो असि कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल है तो कोई इस्लामी आने वाले इलेक्शन से तुसी किनू वोट मैं तो तरीके लिया बैक आ लें जी आप देख रहे नाजरीन मैंने कोई लालच नहीं वो बच्चे ने जी गल की थी कि सारा कुछ कह के खाना तैयार सानू तो एक बिरयानी की प्लेट तो खरीदिया जाता सर हूँ कितने गए ने एम पी एम पी ए तो इलेक्शन का दौर यकीन करो मैं एक बाल टोर रहना साढ़े महल फोतकियां आई हैं कोई एम पी एम एल ए नहीं आया भावें इमरान खान है भावें लू लीग का रिजवी एक्सप्रेस चलनी है कराची तो उर्स मुबारक से फ्री च आ रही है 3 महीने के बीच 3 महीने पूरे हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब न इन्होंने जेल च डकया लेकिन 7 महीने 3 महीने जो लड़ाई झगड़ा होया ना उदो 3 महीने होया। ठीक है, इन्होंने ये नहीं किया कि साध भाई ने छोड़ो साध भाई ने रिहा करो ये नहीं किया, इन्होंने किया कि सफीर नु बाहर निकालो जो नौजवान जनरेशन है इसको कहा जाता है कि ये एक जो है अब्रप्ट चेंज है, यानी कि नौजवानों में देखा जाता है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं और नौजवान माशाल्लाह यहाँ पर उनमें बेदारी जो है वो जागी हुई है और वो इस्लाम को ज़ाहरी तौर पर ये कोई मौलवी या पीरों के बच्चे नहीं हैं या उन जैसे भी नहीं हैं, दाढ़ियाँ भी नहीं हैं,
और यहाँ पर काम करने वाले ये बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं ज़ईफ़ुल उम्र है, लेकिन इन लोगों को जो है इस्लाम ने ऐसी बाबा जी ने बेदारी अता कर दी है कि वो इस्लाम को सपोर्ट करना चाहते हैं और तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं।